हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ संगीता जोशी। तो चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में आए दिन खबरें आती रहती हैं चुनावी मैदान से कि झड़प की खबरें आई, हंगामा हो गया। लेकिन ये हंगामे की जो खबर है वो कहां से आ रही है ये हम आपको बताते हैं। ये खबर है बंगाल की। बंगाल में जिस तरीके से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, भाजपा कांग्रेस और टीएमसी में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तीनों अपना दमखम जो आजमानी है और कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटना चाहती है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, फिर चाहे वो प्रचार प्रसार में हो या दावों और वादों में हो। तो ऐसी अगर हम बात करें कि हाल ही में जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिली है, 5 जिलों में आज 44 सीटों पर 373 जो उम्मीदवार हैं वो उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है, क्योंकि जो बंगाल है वहां पर चौथे चरण का मतदान जारी हो रहा है और मतदान चल रहा है। ऐसे में हिंसक झड़प हो गई है भाजपा और कांग्रेस, इसके साथ टीएमसी जो समर्थक है, उन तीनों पार्टियों के समर्थकों के बीच एक हिंसक झड़प हो गई है और इस झड़प के दौरान 4 लोग जो है उनकी मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जिनकी मौत हो गई है उनका कारण ये है कि सीआईएसएफ की तरफ से फायरिंग हुई और उस फायरिंग में उनको गोली लग गई और जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से वहां पर माहौल है, जिस तरीके से हुड़दंग मचा हुआ है एक चुनाव को लेकर के, चुनाव और इलेक्शन कमीशन पहले ही जारी कर चुका है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहना चाहिए। हाल ही में ममता बनर्जी को जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी ने बयान दिया उसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया था। लेकिन टीएमसी जो है वो किसी भी कीमत में कहीं पर भी चूक नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके तहत जितने भी समर्थक हैं तो चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या फिर टीएमसी के हों, तीनों में झड़प देखने को मिलती है। और साथ ही लोकेट चटर्जी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ है, तोड़फोड़ की गई है। और ये जो हमले की खबरें हैं, ये जो हंगामे की खबरें हैं, ये बताती हैं कि चुनावी माहौल और चुनावी अखाड़ा अब कितना ज्यादा चरम पर है और किस तरीके से प्रत्याशी आपस में अपनी जीत के लिए, अपना जीत का परचम लहराने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनके कार्यकर्ता और समर्थक भी पीछे नहीं हट रहे हैं जिस तरीके की खबरें आ रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है बार बार ये आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहा है कि इलेक्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए। तो इस पूरे हंगामे को लेकर क्या चुनावी माहौल में हंगामा होना जरूरी है, प्रश्न ये है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर के, बंगाल चुनाव को लेकर के आप हमें तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।